उसी समय वहां उपस्थित कुछ लोगों ने मसीह यीशु को उन गलील वासियों की याद दिलाई जिनका लहू पिलातोस ने उन्हीं के बलिदानों में मिला दिया था। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे विचार से ये गलीली अन्य गलील वासियों की तुलना में अधिक पापी थे कि उनकी स्थिति हुई? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। या वे 18 व्यक्ति जिन पर सिलोवम का खंबा गिरा जिससे उनकी मृत्यु हो गई, यरूशलेम वासियों की अपेक्षा अधिक दोषी थे? नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। तब मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा समझाना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने अपने बगीचे में एक अंजीर का पेड़ लगाया। वो फल की आशा में उसके पास आया। उसने माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्ष से इस पेड़ में फल की आशा लिए आ रहा हूँ और मुझे अब तक कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। काट डालो इसे, भला क्यों इसके कारण भूमि व्यर्थ ही घिरी रहे? किंतु माली ने स्वामी से कहा, स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दीजिए, मैं इसके आसपास की भूमि खोदकर इसमें खाद डाल देता हूँ। यदि अगले वर्ष ये फल लाए तो अच्छा, नहीं तो इसे कटवा दीजिएगा। शब्बात पर मसीह यीशु यहूदी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक ऐसी स्त्री थी जिसे एक प्रेत ने 18 वर्ष से अपंग किया हुआ था, जिसके कारण उसका शरीर झुककर दोहरा हो गया था और उसके लिए सीधा खड़ा होना असंभव हो गया था। जब मसीह यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे नारी, तुम अपने इस रोग से मुक्त हो गई हो। ये कहते हुए मसीह यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे और उसी क्षण वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। किंतु यहूदी सभागृह प्रधान इस पर अत्यंत रुष्ट हो गया, क्योंकि मसीह यीशु ने उसे शब्बात पर स्वस्थ किया था। सभागृह प्रधान ने वहां इकट्ठा लोगों से कहा, काम करने के लिए 6 दिन निर्धारित किए गए हैं, इसलिए इन 6 दिनों में आकर अपना स्वास्थ्य प्राप्त करो, न कि शब्बात पर। किंतु प्रभु ने इसके उत्तर में कहा, पाखंडियों, क्या शब्बात पर तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को पशुशाला से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या इस स्त्री को, जो अब्राहम ही की संतान है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्बात पर इस बंधन से मुक्त किया जाना उचित न था? मसीह यीशु के ये शब्द सुन उनके सभी विरोधी लज्जित हो गए। सारी भीड़ मसीह यीशु द्वारा किए जा रहे इन महान कामों को देख आनंदित थी। इसलिए मसीह यीशु ने उनसे कहना प्रारंभ किया, परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, मैं इसकी तुलना किससे करूं? परमेश्वर का राज्य राई के बीज के समान है, जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी वाटिका में बोया और उसने विकसित होते हुए पेड़ का रूप ले लिया, यहाँ तक कि पक्षी भी आकर उसकी शाखाओं पर बसेरा करने लगे। मसीह यीशु ने दोबारा कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना मैं किससे करूं? परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री ने 3 माप आटे में मिलाया और सारा आटा ही खमीर युक्त हो गया।